और बोलता है मैं इसे नहीं मारूंगा, मारूंगा जरूर मारूंगा मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और हाय रे तुम लोग भीख क्यों मांग रही हो तुम लोग तो अच्छी खासी नजर आती हो घबराए हुए कहती है मानक मानक सचमुच तू कहा, कहा है तू मानक मुझे 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 मार देगा वो मेरे पीछे आ रहा है मेरा पीछा नहीं है मैं भागा तो मेरे पीछे है मैं तो मेरे पीछे मेरे पीछे पी है मुझे मार देगा मुझे देखिए कोई कोई ऐसा चैप्टर आ जाता है ना कि इंसान पढ़ने या फिर पढ़ाने के दौरान इमोशनल हो जाता है और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें जो भी कहानी बताई गई है ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली कहानी है मतलब खुद मैं इमोशनल हो गई भावुक हो गई अगर इस पूरी कहानी को इस पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल कर सारांश के तौर पर आप लोगों को मैं बताऊं शायरी के अंदाज़ में तो सुनिए माँ बिश्नी का बेटा बना जंग सिपाही गया था लड़ने ना भेजा कोई परछाई महीनों बीत गए ना आया उसका भाई बहन ने रट लगाई कब आएगा मेरे हाथों की कलाई कलाई मीन्स चूड़ा वो चूड़ी होता है ना वो माँ की ममता देख बेटी घबराई क्योंकि बेटी ने अपनी माँ से सुनी थी कि सपने में आया था तेरा भाई तो ये था पूरे कहानी पूरे चैप्टर का निचोड़ सारांश के तौर पर जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा अभी मैं क्या बोली समझ में आप लोगों को नहीं आया होगा लेकिन हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं आप लोगों को पूरी कहानी को एकदम विस्तार से समझाऊंगी ना बताऊंगी, तो पूरी कहानी को समझ लेने के बाद आप मैं अभी क्या बोली ये सारा चीज़ समझ जाएंगे उसके साथ साथ एंड में आप खुद इमोशनल हो जाएंगे मेरी तरह भावुक हो जाएंगे और जिन लोगों का दिल साफ़ होगा ना वो शायद रो भी दे ठीक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली कहानी है तो आप अंत तक पूरी कहानी को सुनिए ध्यानापूर्वक और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भावुक हुए कि नहीं इमोशनल हुए कि नहीं आप लोग कितना भावुक हुए कितना इमोशनल हुए ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पूरी कहानी को आप लोग अंत तक सुनिए अब जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए ज़रूरी है ये सभी लोगों को सुनना चाहिए ठीक एक माँ की ममता की कहानी बताई गई है इसमें तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के दिगंत हिंदी का चैप्टर नंबर एट जिसका नाम है सिपाही की माँ चैप्टर का क्या नाम है सिपाही की माँ और आप लोगों को टाइटल से ही पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में एक माँ की कहानी बताई गई है जिसका बेटा एक सिपाही रहता है ठीक है जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाती है ना अच्छा एक और चीज़ ये चैप्टर एक एकांकी है ठीक अब आप लोग कहेंगे कि एकांकी किसे कहते हैं आप लोग नाटक तो जानते होंगे नाटक लंबा चौड़ा लिखा जाता है जिसमें ढेर सारी घटनाएं होती है ढेर सारे किरदार होते हैं कैरेक्टर जो कि रोल प्ले करते हैं नाटक में और नाटक में ढेर सारी घटनाएं बताई जाती है ढेर सारी इंसिडेंट लेकिन नाटक का ही छोटा सा अंश छोटा सा टुकड़ा कहलाता है एकांकी एक एकांकी मतलब जिसमें एक घटना के बारे में बताया गया हो चैप्टर के जो राइटर है मोहन राकेश याद रखिएगा लेखक कौन है मोहन राकेश इनका एक नाटक का किताब है अंडे के छिलके ठीक है तो उस नाटक के किताब में पूरी वो नाटक लिखे हैं पूरी ढेर सारी घटनाएं बताए हैं ढेर सारी घटनाएं लिखे हैं उस नाटक की किताब में और उसी किताब में से एक छोटा सा अंश एक छोटा सा जो घटना है इंसिडेंट वो उठा लिया गया है जिसको क्या बोला गया है एकांकी एक और उस एकांकी का क्या नाम है सिपाही की माँ तो याद रखिएगा ये जो चैप्टर है ये एकांकी एक कौन से किताब से कौन से नाटक की किताब से लिया गया है तो नाटक का किताब का नाम है अंडे के छिलके ठीक है तो वही मैं बोल रही थी कि एकांकी एक मतलब क्या जिसमें घटना कहानी अच्छा नाटक कहानी के ऊपर ही ना की जाती है कोई ना कोई घटना के ऊपर ही नाटक इंसान करता है नाटक में कहानी होता है ठीक है कहानी के ऊपर ही इंसान नाटक करता है उसी तरह उसी कहानी का एक छोटा सा अंश होता है एकांकी एक यानी कि एकांकी एक भी क्या है एकांकी एक के अंदर भी कहानी होता है ठीक है तो इसमें जो कहानी बताई गई है ना जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है ना जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस कहानी की गंभीरता बढ़ती जाती है जो पढ़ने वाला है ना वो और भी ज़्यादा उत्सुक होने लगता है कि अब आगे क्या हुआ होगा अब आगे क्या हुआ होगा ठीक इस तरह है जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है पढ़ने वाला इंसान जो है ना और भी ज़्यादा गंभीर होते चला जाता है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड ये कहानी आप बोल सकते हैं ठीक तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो देखिए इस पूरे चैप्टर में इस पूरे कहानी में ढेर सारे पात्र है यानी कि कैरेक्टर है जो कि रोल प्ले कर रहे हैं सबसे पहले तो है बिश्नी बिश्नी सिपाही की माँ रहती है माँ का क्या नाम रहता है याद रखना है बिश्नी ठीक और उसके बाद से बिश्नी की बेटी रहती है मुन्नी जो कि चौदह साल की ये हो गई रहती है और बिश्नी का बेटा रहता है मानक यही वो बेटा है जो कि सिपाही बन गया रहता है बिश्नी के कहने पर अपनी माँ के कहने पर मानक जो है फ़ौजी में भर्ती हो जाता है और ये फौजी यानी कि सिपाही बन जाता है ठीक उसके बाद से बिश्नी की पड़ोसन है एक कुंती जो कि इस पूरे चैप्टर में रोल प्ले कर रही है और एक दीनू नाम का आदमी है जो कि कुम्हार है कुम्हार कुहार समझते हैं ना गाँव देहात में कुहार बोला जाता है जो बर्तन वगैरह बनाता है ठीक तो दीनू नाम का कुम्हार है और दो लड़की है इस पूरे चैप्टर में और सिपाही है एक जो कि मानक का दुश्मन रहता है वो मैं आप लोगों को एक एक करके जब कहानी आगे बढ़ती जाएगी ना तो ये सारा किरदार आप लोग को दिखते जाएगा ठीक है तो कहानी इस तरह से शुरुआत होती है ये एकांकी एक है ना ऐसे पर्दा उठता है जैसे कि आप लोग नाटक देखते हैं उसी तरह ये दिखाया गया है कि पर्दा उठता है और उसके बाद से पर्दा उठने के बाद दिखाया गया है कि अंधेरा है और देहात का आंगन है जैसे कि गाँव देहात में आंगन होता है ना उसी तरह आंगन दिखाया गया है और आंगन के बीच में क्या है एक चारपाई है जिसको चौकी बोला जाता है गाँव देहात में ठीक है तो चारपाई है और बिल्कुल उसी तरह का एक चारपाई दीवार के किनारे भी खड़ा रखा गया है आंगन के दाएं कोने में दो तीन मिट्टी की हांडियां भी रखी रहती हैं ये सीन दिखाया जा रहा है ठीक है और उसके बाद से सामने से एक दरवाजा मतलब एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा खुलता है जो कि कमरे के अंदर जाता है ठीक है अगर आपको आंगन से कमरे के अंदर जाना है तो वो दरवाज़ा है खोलना पड़ेगा ठीक तो वो टूटा हुआ एक लकड़ी का दरवाज़ा रहता है जिसके ऊपर एक अंगूछा रखा गया रहता है सूखने के लिए और जो साइड में चारपाई खड़ा रहता है ना दीवार से सटा कर तो उसके ऊपर फटा हुआ एक धोती का कपड़ा रखा रहता है सूखने के लिए तो लकड़ी के दरवाजे के ऊपर अंगोछा और जो चारपाई रहता है उस पर धोती का फटा हुआ कपड़ा सूखने के लिए रखा गया रहता है ठीक और उसके बाद से ओर से भी जाने का रास्ता है जिसमें कोई दरवाज़ा किवाड़ वगैरह नहीं है ठीक और जहाँ पर बीच में चरपाई बिछा रहता है आंगन के बीचों बीच उससे सटे हुए फ़र्श पर जो है ना बिश्नी बैठ और सूत काटती है सूत जैसे कि पहले के ज़माने में चरखा होता था चरखा से ही मतलब धागा वगैरह सूत काटाता जाता था गांधी जी को जानते हैं ना गांधी जी चरखा चलाते थे बिल्कुल उसी तरह बिश्नी जो है ना वो फ़र्श पर बैठकर कर चरखे चरखा चलाकर सूत काट रही थी और साइड में बिश्नी की जो बेटी रहती है मुन्नी वो खड़ी रहती है चौखट से सटकर कर हरे रंग का सलवार कमीज़ पहने हुए कौन से रंग का हरे रंग का और उसका जो सलवार कमीज़ है कपड़ा वो गंदा भी मैला भी हो गया रहता है और बीच बीच में गुटरगू की आवाज़ भी सुनाई देती है कबूतरों की गुटरगू की और बिशनी बीच बीच में खांस भी लिया करती है, है ना वो अब बूढ़ी हो गई रहती है तो खांसी आना तो लाजमी है मतलब उसके चेहरे पर झूरियाँ पड़ गई रहती है बाल सफ़ेद हो गए रहते हैं तो बूढ़े लोगों को तो खांसी आता ही है तो नॉर्मली वो सूत काटती है और खांसी आता है तो खांस भी लिया करती है तभी अचानक जो है ना एक घोड़ा गाड़ी आने का आवाज़ सुनाई देता है जो कि बिश्नी के घर के आगे आकर रुक जाता है ऐसा लगता है कि बिश्नी के घर के आगे घोड़ा गाड़ी आकर रुक गया ठीक है ये देख कर मतलब ये सुनकर मुन्नी जो है ना वो उत्तेजित होकर बोलती है माँ घोड़ा गाड़ी आ गया माँ रुको मैं पूछ कर आती हूँ चिट्ठी और दौड़ कर चली जाती है मुन्नी घोड़ा गाड़ी के पास ठीक है उसके बाद से बिश्नी जो है ना आंखें बंद करके ऐसे हाथ जोड़ लेती है कि प्लीज़ 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 और फिर थोड़ी देर के बाद आंख खोलकर बिश्नी देखती है दरवाजे की तरफ तो क्या देखती है कि मुन्नी जो है ना निराश होकर वापस लौट रही है जब मुन्नी घर पर आ जाती है तो बिश्नी पूछती है मुन्नी से क्यों रे डाक वाली गाड़ी ही थी ना तो मुन्नी जो है ना अपनी माँ से कहती है हाँ माँ डाक वाली गाड़ी ही थी और उसके बाद से जो डांक वाली गाड़ी घोड़ा गाड़ी उसके जाने का आवाज़ सुनाई देता है ठीक और मुन्नी जो है अपनी माँ के पास जहाँ पर फर्श पर बैठकर वो सूत काट रही होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाती है मुन्नी बिश्नी ठंडी सांस लेकर कहती है आज भी चिट्ठी नहीं आई न जाने हमारे भाग में क्या लिखा है ये बात सुनकर मुन्नी कहती है हाँ माँ आज सिर्फ चौधरी काका के पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है मतलब किसी दूसरे का डिलीवरी किसी दूसरे का ऑर्डर आया रहता है तो वही बोलती है कि आज सिर्फ चौधरी काका का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई ठीक है फिर बिश्नी कहती है ये मुँह जाने क्या करते हैं पता नहीं चिट्ठी रख लेते हैं कि क्या करते हैं मेरा बेटा मानक तो ऐसा है ही नहीं कि जो चिट्ठी ना लिखे पहले तो उसकी चिट्ठी हर पंद्रह दिन पर आ जाया करती थी लेकिन अब दो तीन महीने हो चुके हैं लेकिन मेरे मेरा बेटा माना का चिट्ठी नहीं आया ठीक है ये सुनकर मुन्नी कहती है माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी तो बिश्नी कहती है तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है लेकिन चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेती न जाने हमारे भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है मुन्नी कहती है पिछली चिट्ठी में भैया बोले थे बताए थे पिछली चिट्ठी में कि वो ब्रह्मा की लड़ाई में जा रहे हैं ब्रह्मा यानी कि बर्मा ठीक है तो वही मुन्नी कहती है कि पिछली चिट्ठी में भैया बोले थे कि वो ब्रह्मा की लड़ाई में जा रहे हैं हो सकता है कि लड़ाई में उनको चिट्ठी लिखने की फुर्सत ना मिलती हो तो बिश्नी कहती है कि इतनी फुर्सत उसको नहीं मिलती कि अपनी माँ के लिए चार हर्फ लिख दे कम से कम अपने बारे में अपनी राज़ी खुशी तो बता देता कि वो कैसा है क्या कर रहा है अच्छा है कि नहीं ठीक कम से कम इतना तो लिख कर डाल देता ना उसके बाद से मुन्नी जो है ना अपनी माँ बिशनी के जो पैर रहता है फ़र्श पर बैठी रहती है ना बिश्नी तो उसके पैर पर अपना हाथ पसार कर और उसी पर सर रख कर कहती है कि माँ तुम फिक्र मत करो देखना अगले मंगल को चिट्ठी ज़रूर आएगी थोड़ी देर तक यही सीन बना रहता है और फिर मुन्नी उठती है और फिर से बिश्नी जो है ना वो चरखा चलाने लगती है और मुन्नी उठकर जो चरपाई पर धोती रखा रहता है सूखने के लिए अब उसको समेटने लगती है और समेटते हुए अपनी माँ बिश्नी से पूछती है कि माँ यहाँ से ब्रह्मा कितनी दूर है बिश्नी कहती है कि चौधरी जो है ना वो कहता था कि यहाँ से कम से कम लगभग सौ कोस दूर है ब्रह्मा अब पता नहीं वो सही कहता है कि गलत क्योंकि उसके मुँह में जो है वो बक देता है अब ये सही है गलत हमको नहीं मालूम है ठीक मुन्नी कहती है चौधरी तो ये भी कहता था कि वहाँ पर ब्रह्मा में जाने के लिए कोई गाड़ी मोटर नहीं चलती है पानी वाले जहाज से ही जाना पड़ता है विश्नी कहती है हाँ ये तो बात सही है ये तेरा भाई मानक भी कहता था कि वहाँ पर जाने के लिए पानी वाले जहाज से ही जाना पड़ता है कोई गाड़ी मोटर नहीं चलती है ये सुनकर मुन्नी कहती है इसका मतलब भैया वहाँ से जो चिट्ठी लिखते होंगे वो पानी वाले जहाज़ से ही आता होगा हो सकता है कि पानी वाला जहाज़ डूब गया हो और हम तक चिट्ठी ना पहुँची हो ये सुनकर बिश्नी कहती है चुप कर ऐसी काली जुबान मत बोल कम से कम तेरा मुंह अच्छा नहीं है तो बातें तो अच्छा कर लिया कर ऐसी अशुभ बातें मत बोल मुन्नी थोड़ा देर चुप रहती है लेकिन फिर वो संकोच में आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ पता नहीं ये सच है या झूठ चौधरी कहता था कि हर रोज़ कोई ना कोई जहाज़ तो डूब ही जाता है ब्रह्मा से जो आने वाला जहाज है आने जाने वाला जहाज कोई ना कोई जहाज को तो हर रोज़ डू, डूबना ही डूबना है बिश्नी गुस्से में आकर कहती है चौधरी क्या एक लड़ाई में होकर आ गया लगता है दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई सब कुछ जानता है वो घर पर बैठे घर पर बैठे बैठे सब कुछ जान गया कुछ नहीं मालूम है उसको उसके बाद से मुन्नी जो धोती समेट कर समेट रही थी उसको तह करके ले जाकर अब वो कमरे में रखने चली जाती है ठीक है अब आती है बिश्नु की पड़ोसन कुंती ठीक है कुंती अधेड़ उम्र की हो गई रहती है मतलब ये भी बूढ़ी हो गई रहती है बूढ़ी होने के बावजूद भी इसका चेहरा स्वस्थ दिखाई देता है हेल्दी दिखाई देता है चेहरे पर चमक होता है ठीक है तो आती है कुंती और आते हुए कहती है बिशनदेई मतलब बिश्नी को बिशनदेई कहती है कुंती विषनदेई आज भी चिट्ठी नहीं आई क्या ये सुनकर बिश्नी जो है ना वो कहती है आइए आ कुंती आ बैठ उसके बाद से बिश्नी जो है ना वो अपने जो चरखा चला सुत काट रही थी अपने चरखे को अलग कर देती है और कुंती जो है ना आकर चारपाई पर बैठ जाती है वो खटिया पर बैठ जाती है और कहती है कुंती कि सुना है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा में बहुत जोर शोर से लड़ाई चल रही है ये सुनकर बिश्नी कहती है यहाँ से कौन होकर आया है ब्रह्मा में जरा बताओ तो हम कौन गया था ब्रह्मा में कौन जाकर आया है जो कि ये बात बोल रहा है लड़ाई का हाल ब्रह्मा के लोगों को पता है वहाँ के लोगों को पता है यहाँ पर कौन है वो चौधरी जो यहाँ पर बैठे बैठे इतनी लंबी लंबी बातें करता है उसको कुछ नहीं मालूम मेरा बेटा आएगा ना ब्रह्मा से वो सारा सच बताएगा तो कुंती कहती है बेचारा जल्दी आ जाए और आकर अपनी बहन का हाथ पीला करे हाथ पीला करे मतलब अपनी बहन का शादी करे, ठीक है उसकी सभी सहेलियों की शादी हो चुकी है सभी सहेलियाँ उसकी ससुराल जा चुकी हैं और मेरी बेटी धनो देखो धनु अब बहुत जल्द बैसाख चली जाएगी यानी कि उसकी भी दो तीन महीने में शादी है सब मुझे करना धरना है दो तीन महीने में तूने मुन्नी के लिए कोई वर घर नहीं देखा क्या यानी कि तुमने मुन्नी के लिए कोई रिश्ता नहीं देखा क्या कोई लड़का और लड़का का घर नहीं देखा क्या रिश्ता नहीं देखा क्या ये कौन पूछती है कुंती बिशनी से तो बिशनी कहती है काहे का वर घर देखा जाए माना काहे तो कुछ होगा ना क्योंकि आजकल लोगों के हाथ बहुत बढ़े हुए हैं ठीक है तो कुंती कहती है पर तू देख मुन्नी चौदह की हो गई है अब देखिए पहले के ज़माने में तेरह चौदह साल में शादी हो जाया करता था लड़कियों का ठीक तो वही बोलती है कुंती कि देख तेरी बेटी मुन्नी जो है ना चौदह की हो गई है और घर में रखे रखे कितनी बड़ी करेगी मेरी जो धनों है अभी तेरह साल की हुई है सभी लोग बोलते हैं कि शादी कर देने के लिए ठीक है और इसीलिए देखो अब वो दो तीन महीने में, में मेरी धनों भी चली जाएगी और ना जाने मानक को आने में कितने दिन लगेंगे लड़ाई का कुछ पता है बिशनी जो है ना वो कहती है कि नहीं मुझे लगता है कि वो चार छः महीने में ज़रूर आ जाएगा मेरा बेटा मानक क्योंकि वो बोला था कि मैं बहुत जल्द छुट्टी लेकर आ जाऊंगा अभी उसके गए हुए सात महीने हो चुके हैं मानक के गए हुए कितने दिन हो गए रहते हैं सात महीने ठीक है तो वो कहती है बिशनदेई कि मुझे लगता है कि वो चार छः महीने में वापस आ जाएगा तो कुंती कहती है हाँ शायद चार छः महीने में वापस आ जाए लेकिन बिशनदेई लड़ाई का मुँह शेर का मुँह है और शेर का मुँह किसने सूंघ कर देखा है तू कहे तो मैं तेरी बेटी के लिए कहीं खोज खबर करती हूँ अब पता नहीं साल में आता है तेरा बेटा कि महीने में आता है तभी जो है ना दीनू कुम्हार ये जो है दीनू कुम्हार रहता है दीनू बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया रहता है इसके भी सर और दाढ़ी के बाल पक गए रहते हैं और दौड़ते ये अपने हाथ में मिट्टी जैसे कि ये कुम्हार रहता है ना बर्तन मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाता है तो बर्तन बनाना छोड़कर हाथ में मिट्टी लगाए हुए दौड़ कर आता है मुन्नी की माँ मुन्नी की माँ कहाँ हो कहा मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई बिशनी कहती है किस बात की हद हो गई आखिर क्या हुआ है तुम इतना हाफ क्यों रहे हो दिनू कहता है अरे बताने की बात नहीं तुम खुद बाहर निकलो और देखो अपनी आँख से देखो निकलो बाहर ठीक है बिशनी कहती है आखिर हुआ क्या है बात क्या है दिनू कहता है बात क्या है तमाशा है तमाशा सच कहता हूँ मुन्नी की माँ आज तो बेशर्मी की हद हो गई विष्णु कहती है तो क्या वो चौधरी की बेवा अरे चौधरी की बेवा नहीं दिनू कहता है अरे चौधरी की बेवा नहीं बात ये है कि दो जवान छोकरियाँ आज कहीं से चली आई हैं और उनका ऐसा पहनावा कि मैं तुमसे क्या कहूँ रंग काला है लेकिन मेमो की तरह एकदम टिट फिट चल रही हैं और घर घर जाकर दाल चावल मांग रही हैं इतनी जिंदगी गुजर गई मेरी लेकिन इतनी बेशर्मी मैं आज तक नहीं देखा हूँ देख देख वो तेरे घर ही आ रही है झांक कर देखता है दीनू इस तरह की आ रही है हाँ देख 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 ब, ए, मुन्नी की माँ तेरे घर ही आ रही है तू मुन्नी को अंदर भेज दे अंदर भेज दे मुन्नी को मुन्नी को अंदर भेज देता है लो मुन्नी अंदर चली जाती है उसके बाद से बोलता है रुक रुक मैं जाकर उन लोग बाकी सभी घर वालों को बता देता हूँ ठीक है और दौड़ कर दीनू चला जाता है उसके बाद से बिशनी कुंती और मुन्नी तीनों उत्सुक एक्साइटेड होकर देखती है वो दोनों जो लड़की रहती है लो ना वो फ्रॉक पहने हुए रहती है घुटने तक फ्रॉक पहने हुए और दोनों के हाथ में एक एक थैला रहता है तो कुंती जो है ना बिशनी की कान में फुसफुसा कर कहती है कि देखो ये दोनों ना क्रिश्चियन है यानी कि ईसाई है तो बिशनी को समझ में नहीं आता है कि ये क्रिश्चियन क्या होता है मतलब ईसाई क्या होता है इसको समझ में नहीं आता है हिंदी में बोलती ईसाई तो कोई बात नहीं है इंग्लिश में बोली क्रिश्चन है ठीक है तो बिश्नु को समझ में नहीं आई क्रिश्चन क्या होता है इस तरह ताक रही थी तो कुंती बिश् को बताती है कि क्रिश्चन वो होती है जो मर्दों को अपने घर में रखती है और ख़ुद बाहर बाहर घूमती है ठीक है तब तक दोनों लड़कियाँ आ जाती है बिश् के घर पहली लड़की बोलती है थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी परमात्मा आपका भला करेगा दूसरी लड़की कहती है हम लोग बहुत दिनों से भूखे प्यासे हैं पहली लड़की कहती है हम लोग रंगून से आए हैं वहाँ से हज़ारों लोग अपना घर बार छोड़ कर आ रहे हैं ठीक है और यहाँ से तीन मील दूरी पर एक धर्मशाला है वहाँ पर हम लोग दस औरतें रह रहे हैं ठीक मेरा भाई जो है ना रास्ते में मेरे दोनों भाई की मौत हो गई हम लोग किसी भी तरह यहाँ तक पहुँच पाए हैं हमको कुछ दे दीजिए दाल चावल दे दीजिए माँ जी हम आपकी जान की दुआ करेंगे ये बात सुनकर कुंती विष्णु के कान में जाकर कहती है कि ये लड़कियाँ क्रिश्चियन नहीं है मुझे तो इन लड़कियों के लक्षण ही अच्छे नहीं लग रहे हैं ठीक है तो विष्णु कहती है दोनों लड़कियों से हाय रे तुम लोग भीख क्यों मांग रही हो तुम लोग दिखने में तो अच्छी खासी नजर आती हो तो जो पहली लड़की है वो कहती है कि जब हम लोगों का घर बार था तब कोई और बात थी माँ जी लेकिन अब हमारा कोई घर बार नहीं है अब आप ही का आसरा है हमारा जो शहर था वहाँ पर जापानों ने जहाज़ मतलब जापानी जहाज़ है ना बम मार मार कर मेरा पूरा शहर तबाह कर दिया है मेरा मुल्क तबाह हो गया है वहाँ पर हर रोज़ गोलीबारी होती है लड़ाइयाँ होती है ठीक सब कुछ तबाह हो गया है सिर्फ आप ही आप लोग तो स्वर्ग में हैं आप लोग इन लड़ाइयों से बहुत दूर हैं ठीक उसके बाद से मुन्नी जब ये बात सुनती है ना पहली लड़की के मुँह से तो ये अपनी माँ से कहती है माँ ये लड़की बोल रही है कि इसके मुल्क में लड़ाइयाँ हो रही है पूछो ना इसके इसके शहर से बर्हमा कितनी दूर है अपनी माँ से ए, कौन बोलती है मुन्नी बोलती है तब तक ये बात सुन लेती है लड़की या दोनों और जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है अरे हम लोग का मुल्क ही है बर्मा हम लोग बर्मा से ही आ रहे हैं बहन जी हम लोग का जो शहर है रंगून वो बर्मा में ही पड़ता है बर्मा से ही हम लोग आ रहे हैं तो मुन्नी और उसकी माँ बिश्नी दोनों चौकर बोलती है क्या लोग बर्मा से आ रही हो पहली लड़की कहती है हाँ माँ जी हम लोग बर्मा से ही आ रहे हैं वहाँ पर हजारों लाखों लोगों की जान चली गई है बहुत ज़्यादा लड़ाई वहाँ पर हो रही है जो जिधर मतलब जिसको अपना जान बजा कर जिधर रास्ता मिल जाए उधर भागता रह रहा है मतलब वहाँ पर लड़ाई हर रोज गोलीबारी ही हो रही है तो बिश्नि कहती है क्यों रे ब्रह्मा में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं तो पहली लड़की है वो कहती है जी माँ जी वहाँ पर हर रोज आग बरसता है आग हम लोग खुशकिस्मत है जो अपनी जान बजा भाग निकले ठीक है रास्ते में तेरह दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे भागते रहे ठीक ये सुनकर मुन्नी कहती है तुम लोग पैदल चल कर आई हो ठीक है तो वो जो है दूसरी लड़की वो बोलती है कि हाँ हम लोग पैदल चल कर आए जंगली रास्तों से रास्ते में ढेर सारा दलदल भी था एक तो औरत दलदल में ही फंस गई हम लोग खुशकिस्मत है जो कि हम लोग निकल पड़े ठीक है तो मुन्नी कहती है माँ ये लोग तो बोल रही है कि ये पैदल चल कर आई हैं लेकिन ब्रह्मा जाने के लिए या फिर आने के लिए तो पानी वाला जहाज़ से जाया जाता है ना तो जो पहली लड़की है वो कहती है हाँ जी ये बिल्कुल बात सही है असली रास्ता तो जहाज़ ही का है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जापानी लोग जो है ना उस जहाज़ को समुद्र में ही डुबो देते हैं और हम लोग को जहाज़ भी नहीं मिलती है वो जहाज़ पर सिर्फ फ़ौजी लोग आते जाते हैं ठीक है तो ये सुनकर बिश्नी कहती है अच्छा तो सरकार क्यों भेजती है फौजी लोगों को उन जहाज़ पर जब वो जानती है कि जहाज़ डूबा हर रोज जहाज़ डूब जाता है तो फिर क्यों फौजी लोगों को भेजती है ठीक है तो पहली लड़की है वो कहती है कि फ़ौजी को भेजना पड़ता है माँ जी क्योंकि जहाज़ में जब फौजी लोग बैठ कर जाते हैं ना तो समुद्र के जहाज़ जहाज़ में लड़ाइयाँ होती है यहाँ तक कि ऊपर हवाई जहाज़ है उससे बम गिराए जाते हैं बहुत ख़तरनाक लड़ाइयाँ होती है माजी ये सुनकर मुन्नी कहती है अच्छा तो जिस रास्ते से तुम भाग कर आई हो उस रास्ते से फ़ौजी भी तो भाग कर आ सकते हैं ना तो वो, वो जो है पहली लड़की वो कहती है नहीं फौजी भाग कर नहीं आ सकते क्योंकि जो भी फौजी जंग को छोड़कर लड़ाई को छोड़कर भाग जाते हैं ना उनको गोली मार दिया जाता है जो भी लड़ाई छोड़कर भागना चाहते हैं उनको मार दिया जाता है डायरेक्ट गोली से उड़ा दिया जाता है ये सुनकर बिशनी कहती है वहाँ से फ़ौजी भागेंगे क्यों बताइए तो भागने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फ़ौजी को मालूम होना चाहिए कि उनको छुट्टी मिल ही जाएगी तो उन, उनको भागने की जरूरत ही क्या है फौजी भागेंगे क्यों ठीक उसके बाद से जो पहली लड़की वो बोलती है कि आपके बच्चों की उम्र बड़ी होगी भाजी आप हमको सिर्फ दाल चावल कुछ खाने के लिए दे दीजिए ठीक तो वो जो है कुंती पड़ोसन वो कहती है कि हम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए है ही नहीं और ये बड़ा चली आई है मांगने के लिए तो बिश्नी जो है वो मुन्नी को बुलाती है मुन्नी तो मुन्नी आती है और बिश्नी कहती है कि जाओ कटोरा में चावल लेकर आ जाओ और इनको दे दो ठीक उसके बाद से मुन्नी जाती है कटोरा में चावल लाने के लिए बिश्नी की चेहरे की रेखाए जो है ना वो गाढ़ी हो जाती है मतलब देख कर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है बिश्नी तो बिश्नी मतलब सर झुका कुछ सोचने लगती है और फिर सर उठाकर उन लड़कियों से पूछती है कि अच्छा तुम लोग ब्रह्मा से आई तो कितने दिन लग गए मतलब यहाँ से ब्रह्मा तक का जो पैदल का रास्ता है वो कितने दिनों का है तो वो जो लड़की है वो बोलती है दिनों का कोई हिसाब नहीं माजी पहली लड़की जो है वो कहती है दिनों का कोई हिसाब नहीं माजी अगर पहुंच गए तो महीनों बीस दिन में आप पहुंच जाएंगे और अगर नहीं पहुंचे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि जो रास्ता है वो घना जंगल से भरा हुआ है और घना जंगल में जंगली जानवर और यहाँ तक कि उस जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाइयाँ होती हैं अंग्रेज़ और जापानी सैनिकों में सिपाहियों में लड़ाई होती है कहीं मतलब लाश का ढेर है मतलब जिधर देखिए उधर सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई हैं लाश सड़ सड़ गल कर मतलब पड़ी हुई हैं ठीक है कहीं जापानी सिपाही का लाश है तो कहीं अंग्रेजों का लाश है मतलब जापान और अंग्रेज में लड़ाई हो रहा था ठीक है तो कहीं जापानी सिपाही का लाश है तो कहीं अंग्रेज़ का ठीक है और दलदल भी है यहाँ तक कि जंगल में बहुत ज़्यादा खतरनाक है ठीक है तो बिश्नी कहती है हाय रहने दो बस करो अब मत बताओ और इस तरह जो है पल्लू लेकर और अपना मुंह छुपा लेती है ठीक है और उसके बाद से तब तक मुन्नी जो है ना कटोरे में चावल लेकर आ जाती है और उसके बाद से दे देती है उन दोनों लड़कियों को तो वो दो लड़कियाँ हैं वो दुआएँ देकर चली जाती है कि परमात्मा आपका भला करे ठीक और वो दोनों लड़कियाँ चली जाती हैं कुंती जो है ना वो बिशनी के शरीर पर हाथ रख कर बोलती है बिशन देई तो वो जो बिशनी है वो अब पल्लू से मतलब आंखें पोछ कर सर उठाती है तो कुंती कहती है कि देखो तुम फिक्र मत करो हो सकता है कि ये लड़कियाँ झूठ बोल रही हूँ मुझे तो इन लड़कियों के चरित्र ही अच्छे नहीं लगते हैं उसके बाद से मुन्नी जो है ना वो अपनी माँ के फर्श पर बैठी रहते वहीं पर जाकर बैठ जाती है और कहती है माँ मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी हम लोगों को जितना फिक्र है उतना भैया को भी फिक्र है हम लोगों की ठीक है तो बिश्नी कहती है इतना फिक्र रहता तो कम से कम चार हर्फ लिख कर भेज देता ना चिट्ठी हम लोग को लिख कर भेज देता कि हाँ वो ठीक है ठीक है अच्छा से लड़ाई कर रहा है अच्छा से काम हो रहा है वहां पर इतना तो लिख सकता था ना इतना ही फिक्र रहता तो तो मुन्नी कहती है हो सकता है कि भैया इसलिए चिट्ठी ना लिखे हो क्योंकि वो आ रहे हों डायरेक्ट वो आ ही रहे हों इसलिए वो चिट्ठी ना लिखे हों बिश्नी कहती है क्या पता मुन्नी कहती है कि नहीं मेरा दिल कहता है कि भैया अगले मंगल को वो खुद ही आएंगे उनका चिट्ठी नहीं आएगा वो खुद आएंगे उसके बाद से वो जो है कुंती पड़ोसन वहीं पर रहती है ना वो बोलती है कि पता नहीं लड़की इतनी बड़ी हो जाती है लेकिन फिर भी इनकी शादी घर वाले नहीं करते हैं मतलब ये मुन्नी की शादी के पीछे ही पड़ी रहती है कुंती उसके बाद से क्या होता है बिशनी जो है ना अपनी बेटी को इस तरह बातें करते हुए दिलासा देते हुए मतलब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि देखो मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है कि मुझे दिलासा दे रही है बात को समझ आ रही है और समझ भी रही है और हाथ फेरते हुए जो है ना बोलती है बिश्नी अपनी बेटी मुन्नी से कि तुम ठीक कह रही हो हो सकता है कि शायद अगले मंगल को मेरा बेटा मानक अपने आप ही खुद वापस आ जाए ठीक और उसके बाद से क्या करती है माथा चूम अपनी बेटी की बिश्नी जो है ना अपनी बेटी मुन्नी की माथा चूम और गले लगा लेती है और यहीं पर आप लोगों का पर्दा गिर जाता है लेकिन यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ अभी इसके आगे भी है फिर पर्दा उठेगा अभी एक छोटा सा ब्रेक क्या आपको पता है कि इस चैनल पर लगभग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया ठीक है वो दोनों लड़की जो आई रहती है वो बर्मी रहती है ये बर्मी बताना मैं भूल गई बर्मी यानी कि बर्मा से आई रहती है ठीक है तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया अब देखिए अब फिर से पर्दा उठता है अब सीन दिखाया गया है रात का वही आंगन है और दोनों चरपाई अब बिछा हुआ है ठीक और जो दाया वाला चरपाई है उस पर मुन्नी जो है ना ऐसे चेहरे पर हाथ रखे हुए और बैठी हुई है और उसके चरपाई पर लोई भी है लोई कहते हैं ओढ़ने वाला ठीक है तो गठ में उसको ओढ़ना कहा जाता है शायद हाँ ओढ़ना ही कहा जाता है ओढ़ने वाला जो होता है ना चादर उसको लोई तो वो उसके चारपाई पर लोई रखा रहता है और जो दूसरा चारपाई है उस पर फटा हुआ एक दरी बिछा रहता है और उस पर भी लोई रखा रहता है ओढ़ने के लिए ठीक तो है तो दाई वाले खटिया पर तो मुन्नी बैठ कर ऐसे चेहरे पर हाथ रख कर कुछ सोचती है तब तक मुन्नी की जो माँ है बिश्नी वो ढिबरी लेकर आती है ढिबरी मीन्स वो लालटेन होता है जो ढिबरी मीन्स दिया हाँ वही लालटेन लालटेन लेकर आती है और बोलती है मुन्नी से मुन्नी तू अभी तक सोई नहीं तो मुन्नी कहती है नहीं माँ लेकिन रुको मैं अभी सो जाती हूँ और क्या करती है लेट जाती है और चादर ओढ़ लेती है मतलब जो लोई है वो अपने पैर पर रख लेती है बिश्नी कहती है इतनी रात हो गई और तुझे नींद नहीं लग रही है तो मुन्नी कहती है माँ तुम भी तो अभी तक नहीं सोई हो तो बिश्नी कहती है कि मेरी तो उम्र हो गई है इस वक्त इस उम्र में तो नींद उतना ज़्यादा नहीं लगता है लेकिन तू अभी सो जा ज़्यादा बात मत कर सुबह उठकर गोबर तुझे लेकर आना है मुन्नी क्या करती है चरपाई पर लेट जाती है और चादर उड़ लेती है सोने के लिए लेकिन फिर करोड़ बदल कर अपनी माँ से कहती है माँ तुझे मालूम है आज ना तारो अपने ससुराल से वापस लौट आई है तारो मतलब मुन्नी की सहेली रहती है ठीक तो वही बोलती है मुन्नी कि तारों वापस अपने ससुराल से, से लौट आई है और उसके घर वालों ने ना बहुत अच्छे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवाए हैं जो कि बंतों के कड़ों से भी बहुत अच्छा है कड़ा मतलब चूड़ा ठीक है चूड़ी होता है तो वही बोलती है कि जो कि मतलब बंतों के कड़ों से भी बहुत खूबसूरत है अच्छे दिख रहे हैं ठीक है तो उसकी माँ बिश्नी कहती है कि अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है तेरा भाई भी आएगा ना तो तेरे लिए जो कड़ा लेकर आएगा वो सभी कड़ों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा अब तू सो जा नहीं तो सुबह नींद नहीं खुलेगी ठीक तो मुन्नी चादर उड़ अब सो जाती है बिशनी क्या करती है डिब्री जो रहता है लालटेन उसको बुझा देती है बिशनी तो जाकर अपने चारपाई पर सो जाती है और उसके बाद से सुनिए आप लोग देखे हैं लालटेन को जब बुझाया जाता है ना तो उसका जो पीला कलर का प्रकाश जो जल रहा था अब वो हल्का हल्का नीला हो जाता है वही सीन यहाँ पर भी दिखाया गया है जब बिषणी ढिबरी यानी कि लालटेन बुझा कर जा कर तो जाती है तो ढिबरी का प्रकाश जो पीला कलर का था अब वो हल्का नीला हो जाता है चारों तरफ नीला प्रकाश फैल जाता है ठीक और उसके बाद से टिड्डा जिसको गाँव देहात में झिंगूर कहते हैं झिंगुर का भी आवाज़ सुनाई देता है और ढेर सारे भो भो करके कुत्ते भी बोलते हैं और तभी अचानक गोलियों की धड़ की आवाज सुनाई देती है और ढेर सारे लोगों की कराहने की आवाज सुनाई देने लगती है यह सुनकर बिश्नी जो है ना तुरंत उठकर बैठ जाती है और घबराए हुए कहती है मानक 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 मतलब चारों तरफ देखते हुए और घबराए हुए कहती है मानक मानक सचमुच तू ही है मानक कहा है मेरे बेटे कहा है तू मानक मानक और चारों तरफ देखती है और मतलब गोलियों की भी आवाज़ सुनाई देती है लोगों के कराने के भी और जो तेज़ हवाएं चलती है ना उसकी आवाज़ भी भयभीत कर देने वाली होती है और घबराए हुए बोलती है मानक मानक कहाँ है मेरे बेटे तू कहाँ है ठीक है और तभी अचानक अंधेरे में से एक घायल सिपाही आकर बिश्नी के पैर पर गिरता है बिशनी तप कर नीचे बैठ जाती है और उसका सिर उठाकर अपने गोद में रख लेती है और वो सिपाही कोई और नहीं बिशनी का बेटा मानक ही रहता है बिशनी कहती है क्या तू सच में मेरा बेटा मानक ही है बोल ना मानक तो वो जो सिपाही वो मानक ही रहता है वो कहता है माँ मैं सचमुच तेरा बेटा मानक ही हूँ देख मैं पूरी तरह से घायल हो चुका हूँ वो देख मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं बिशनी कहती है कि तेरे दुश्मन तेरे दुश्मन कौन हो सकते हैं तेरा दुश्मन कौन है कौन है तेरा दुश्मन ठीक है तो मानक कहता है माँ देखो मेरा दुश्मन है मेरे पीछे ही आ रहा है वो मुझे मार देगा देख मुझे घायल कर दिया है मुझे मार देगा वो मेरे पीछे आ रहा है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता है मैं भागता हूँ तो मेरे पीछे भागता है मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पीछे दौड़ता है मैं रेंगता हूँ तो मेरे पीछे रेंगता है वो मुझे मार देगा माँ मार देगा मुझे नहीं छोड़ेगा ये सुनकर जो है ना बिश्नी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है तू तू तो उठ उठ मानक चल चरपाई पर लेट जा तो वो उठता भी है ना उसे उठा नहीं जाता है मानक से पूरा घायल हो गया रहता है उठ उसे मतलब उसका शरीर सीधा भी कर, करने लायक नहीं रहता है ठीक है तो उठा भी नहीं जाता है तो, तो वो बोलता है मानक कि नहीं माँ देखो उधर से आ जाएगा कभी भी आ जाएगा देख उधर देख वो आ तो नहीं रहा ठीक है तो बिशनी देखती है तो कोई नहीं रहता है ठीक है बोलती है कि कोई नहीं तू तो घबरा गया है बेटा उठ चल चरपाई पर लेट जा कहता है नहीं मुझे नहीं। वो बोलती है बिश्नी कहती है कि रुक मैं तेरे लिए गरम दूध लेकर आती हूँ तो बोलता है मानक नहीं मुझको दूध नहीं चाहिए मुझको पानी दे दो माँ मैं पानी पीऊँगा ठीक उसके बाद से क्या करती है बिश्नी कहती है अच्छा रुक मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ और जाकर पीतल के गिलास में पानी लेकर आती है और जैसे ही लेकर आती है मानक जो है ना तुरंत गिलास ले लेता है और बोलती है बिश्नी कि धीरे धीरे पीना छोटी छोटी घूट करके पीना नहीं तो नहीं अटक जाएगा ठीक है उसके बाद से मानक जो है ना तुरंत लेकर गटागट पीने लगता है उसके बाद से तभी जो है ना अंधेरे प्रकाश में से हा हा हास्य हा स्वर सुनाई देता है यानी कि हंसने की आवाज जिस तरह विलेन हंसता है ना हा हा करके, उसी तरह आवाज सुनाई देती है ठीक है और यह सुनकर मानक जो हाथ में ग्लास लेकर पानी पी रहा था उसका ग्लास उसके हाथ में से छूटकर नीचे गिर जाता है ठीक है डर जाता है और अपनी मां के पास जाकर सिमट जाता है उसकी माँ भी अपनी बेटे को सिमा ए, सिमेट लेती है और तभी हा हा करते हुए वो जो आवाज़ है धीरे धीरे आगे आता है और अंधेरे में बंदूक का कुंदा चमकता हुआ दिखाई देता है और उसके साथ साथ हंसने की आवाज़ आती है हा 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 ठीक है और अब बंदूक का कुंदा धीरे धीरे अंधेरे प्रकाश में से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और उसके साथ साथ हंसने की भी आवाज़ सुनाई देती है और होता यह है कि उस अंधेरे प्रकाश में से एक सिपाही निकल बाहर आता है और वो जो सिपाही है वो बिश्नी से कहता है कि तू इसे गोद में लेकर बैठी हुई है देखती नहीं है मुर्दा है मुर्दा ये सुनकर बिश्नी जो है ना सर से लेकर पांव तक सीहर जाती है कि मुर्दा ठीक है तभी जो है ना मानक उस बिशनी का बेटा कहता है कि नहीं nah माँ ये झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है मैं मुर्दा नहीं हूँ माँ देख मैं बात कर सकता हूँ बोल सकता हूँ मैं मुर्दा नहीं हूँ मां मैं मुर्दा नहीं हूँ तो बिशनी कहती है हाँ बेटे तू तो सही कह रहा है तू तो मुर्दा कैसे हो सकता है तेरी जान मेरी जान से जुड़ी हुई है और मैं जिंदा हूँ तो तुझे कुछ कैसे हो सकता है तुझे कुछ नहीं हुआ है मेरे बेटे ठीक है ये सुनकर वो जो सिपाही है वो कहता है कि तू सही कह रही है इसे कुछ कैसे हो सकता है अभी मैं इसके पूरे शरीर को अपनी गोलियों से छलनी कर दूंगा और उसके बाद से इसकी लाश को ले जाकर मैं जंगल में चील कौव के आगे डाल दूंगा चील कौए इसके शरीर को नोच नोच कर खाएंगी ठीक है ये बात सुनकर जो है ना बिश्नी भयभीत हो जाती है घबरा जाती है ठीक और वो जो सिपाही है बंदूक का कुंदा मानक के पास लेकर जाता है गोली से उड़ाने के लिए मारने के लिए ठीक उसके बाद से क्या होता है बिश्नी तुरंत सिपाही के बंदूक को पकड़ लेती है ठीक तो सिपाही कहता है कि तू इसे बचाना चाहती है तो इसकी क्या लगती है ठीक है तो वो जो बिश्नी है वो कहती है मैं इसकी माँ हूँ और मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी सिपाही कहता है कि तू इसकी माँ है तू तो इस वैसी की माँ लगती ही नहीं है तेरा बेटा एक नंबर का वहशी है वहशी देखिए वहशी कहते हैं क्रूर इंसान को यानी कि जो इंसान किसी दूसरे को मारते वक्त उसके अंदर दया ना आए उसको कहते हैं क्रूर वहशी ठीक तो वही बोलता है सिपाही कि तेरा बेटा एक नंबर का वहशी है वहशी दूसरे हजारों लाखों लोगों को ये गोलियों से उड़ाता है मार देता है तेरा बेटा इंसान नहीं जानवर है जानवर ठीक है और तू कहती है तू इसकी माँ है तो बिश्नी कहती है हाँ मैं इसकी माँ हूँ और मेरा बेटा वह नहीं है ये किसी को मार नहीं सकता ये किसी की जान नहीं ले सकता ये तो कबूतरों को भी देखता है तो इसके आँख में से आंसू आ जाता है ये किसी को मतलब मार ही नहीं सकता है तू इसे छोड़ दे मैं इसको अपने घर पर ही रखूंगी किसी कहीं जाने नहीं दूंगी अब ये मेरे साथ घर पर ही रहेगा छोड़ दे इसे सिपाही कहता है तू इसे घर पर रखेगी ये तो हज़ारों का दुश्मन है और हज़ारों लोग इसके दुश्मन हैं सभी लोग इसको ढूंढ रहे हैं ये किसी भी हाल में मारा जाएगा मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ पर रहेगा तो भी मारा जाएगा मैं मार दूंगा इसको ठीक है और सिपाही बंदूक का कुंदा उठाता है और मानव के पास जाता है ये करने के लिए मारने के लिए तो बिश्नी जो है ना उस सिपाही का पांव पकड़ लेती है बोलती है देख तू मत मारी से मेरा बेटा कितना भोला है कितना घायल हो चुका है छोड़ दे इसे तेरी भी तो माँ होगी तेरा भी तो घर बार होगा छोड़ दे मत मार मेरे बेटे को मतलब मेरे बेटे का किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है ठीक है सिपाही कहता है किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है तेरे बेटे की और क्या करता है सिपाही अपना जो सिपाही लिबास पहना रहता है बटन खोल कर दिखाता है देख तेरे बेटे ने मुझे कितना घायल किया है कितना मारा है मैं मर चुका होता लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ तेरे बेटे को मारने के लिए देख कितना मारा है और उसका जो सिपाही का शरीर रहता है ना पूरा खून से तरबर हो गया रहता है ठीक है तो वही दिखाता है कि देख तेरे बेटे ने मेरा क्या हाल किया है कितना घायल किया है ठीक है मैं कब का मर गया रहता है लेकिन तेरे बेटे को मारने के लिए मैं जिंदा हूँ मैं इसको मारे बिना नहीं मरूँगा बिशनी कहती है देख तू मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा है मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसे अच्छी तरीके से जानती हूँ ये किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया था मैं भेजी थी इसको लड़ाई में क्योंकि इसकी एक बहन है जिसको छः महीने में शादी कर देना है ठीक है मेरी बेटी की शादी कर देना है छः महीने में इसीलिए मैं इसको लड़ाई में भेजी थी अगर मेरी बेटी नहीं रहती शादी करने लायक तो कोई चिंता ही नहीं रहती हम लोग किसी भी तरह मैं और मेरा बेटा किसी भी तरह इस इधर ही से कमा खा कर अपनी ज़िंदगी को गुजार लेते लेकिन बहन की शादी करनी है इसकी और इसीलिए मैं इसको लड़ाई में भेजी थी देख अगर तू इसके जगह पर रहता और तेरी माँ मेरे जगह रहती तो क्या तेरी माँ तुझको नहीं बचाती सिपाही कहता है मेरी माँ हंस कर कहता है कि मेरी माँ मेरी माँ तो कब की पागल हो गई वो हर रोज़ मेरे मौत का इंतज़ार करती है और मेरी बीवी सुन मेरी बीवी ने अभी से ही विवाह का स्वांग बना लिया है वो मुझे पत्र में लिखती है कि अगर आपकी मौत हो गई तो मैं भी फांसी लगाकर जान दे दूँगी ठीक है उसके मेरे बीवी के पेट में छः महीना का बच्चा है अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी भी फांसी लगा कर मर जाएगी ठीक है मैं मरना नहीं चाहता मैं इसको मार कर रहूंगा आज मैं किसी भी हाल में मार ही दूंगा तुझे इसकी आंखों में वैश्याना चमक नहीं दिखाई देती क्रूरता नहीं दिखाई देती बिशनी कहती है नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है कहाँ इसकी आंखें वैसे दिखाई दे रही हैं ठीक सिपाही कहता है देख तू इसकी माँ है इसीलिए तू नहीं देख पा रही है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना इसीलिए अपना चेहरा ऐसे बनाया हुआ है ठीक लेकिन इसकी आंखों में वो दुश्मनी दिखाई दे रही है आंखों में खून भर कर देख मुझे देख रहा है कैसे देख रहा है दुश्मनी की नज़रों से ठीक आज मैं इसको नहीं

ठीक है तभी जो है ना मानक तुरंत उठकर झटक कर खड़ा हो जाता है सोचिए मानक का शरीर जो सीधा नहीं हो पा रहा था उससे अब वो तुरंत झटक कर खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं इसे नहीं मारूंगा मैं इसे मारूंगा जरूर मारूंगा मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुरंत सिपाही को ढकेल देता है मानक गिर जाता है और तुरंत बंदूक उठाकर कर देता है अब सिपाही के ऊपर और बोलता है कि माँ मैं इसे मार दूंगा हाँ मैं वहशी हूँ मैं जानवर हूँ हाँ मैं जानवर से बढ़कर कर हूँ अब मानक जो है ना अब वो हा हा करके हंसने लगता है अब वो विलन का रूप ले लेता है जैसे कि विलन हंसता है ना हा हा तो इस तरह तान लेता है और बोलता है कि हाँ मैं वैशी हूँ मैं जानवर हूँ मैं जानवर से बढ़कर भी हूँ हा 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 करके हंसने लगता है बिश्नी जो है ना वो चौंक जाती है तभी जो है ना मानक उस सिपाही को मारने के लिए बंदूक तान देता है और मारने ही जाता है तब तक बिश्नी सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं बेटे तो इसको नहीं मारेगा ये भी हम लोगों की तरह गरीब इंसान है इसकी भी माँ है इसके भी घर बार है इसके भी बच्चे हैं अगर तू इसे मार देगा तो इसकी बीवी भी फांसी लगाकर मर जाएगी इसका बच्चा भी मर जाएगा। तू इसे मत मार, छोड़ दे बेटे, ठीक है। तो क्या करता है मानक अपनी माँ को झटक कर हटा देता है गिरा देता है हट, मैं इसे मारूंगा और जरूर मारूंगा फिर जो है उसकी माँ तुरंत आकर खड़ी हो जाती नहीं बेटे मत मार छोड़ दे इसको तू मत मार इसको। फिर दोबारा जो है ना मानक अपनी माँ को तुरंत ढकेल देता है और अब ऐसा ढकेलता है ना कि उसकी माँ जाकर चारपाई पर गिर जाती है ठीक और बोलती है नहीं मानक तू से मत मार तो अब तक मानक जो है ना वो बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा माँ ये मेरा दुश्मन है इसकी मैं बुट्टी बुट्टी कर दूंगा मैं इसे मार दूंगा उसके बाद से सिपाही डर डर कर पीछे अंधेरे प्रकाश में खिसकता है पीछे जाता है और आगे बढ़ते जाता है ये मानक वो तो पीछे जाता है और ये आगे बढ़ता है अंधेरे में धीरे धीरे वो जो सिपाही है ना पीछे घसकते ही जाता है और ये बंदूक लेकर आगे, ले आगे मारने के लिए बढ़ते ही जाता है उसके बाद से इधर बिस्ुन चरपाई पर बैठे हुए बोलती है मानक तू उसे नहीं मारेगा छोड़ दे उसे मानक 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 उसे छोड़ दे तो उसे नहीं मारेगा ठीक और धीरे धीरे वो अंधेरे प्रकाश में जो है ना सिपाही चला जाता है और ये भी चला जाता है और धाए 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 गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वातावरण शांत हो जाता है और ये विष्णु चिल्लाती ही रहती है मानक छोड़ दे उसे मानक मानक तभी आवाज सुनकर जो है ना अब मुन्नी जग जाती है अब मानक मानक चिल्लाती है कि मानक मानक तो वो जग जाती है मुन्नी और बोलती है माँ क्या हुआ माँ और तुरंत मुन्नी जो है ना आकर डिबरी जला देती है ठीक है फिर से वो नीला प्रकाश जो है ना वो पीला हो जाता है ठीक और बोलती है क्या हुआ माँ तुम रो क्यों रही हो और अपने चरपाई पर से उठकर जाकर बिश्नी के चरपाई पर बैठ जाती है और बोलती है क्या हुआ माँ बिश्नी जो है ना अपने आँख पर से ऐसे हाथ हटाकर और ऐसे देखती है मानक मानक तभी जो है ना मुन्नी कहती है माँ तुमने फिर से भैया के सपने देख लिए बिशनी चुपचाप सुनती है और कहती है मुन्नी कि देख तू फिक्र मत माँ अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी बिश्नी कहती है चिट्ठी तो मुन्नी कहती है हाँ चिट्ठी तू ही ना बोली थी कि अगले मंगल को भैया ज़रूर आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियाँ भी लेकर आएंगे बिश्नी कहती है कड़े और चूड़िया मतलब वो कंफ्यूज़ रहती है बिष्णी क्योंकि अभी वो अपने बेटे मानक को गोली धाए धाए मारते हुए देखी और अभी मतलब वो रो रही थी और अचानक उसका मतलब नींद खुला रोते हुए तो वो कंफ्यूज़ है कि चिट्ठी कड़े चूड़िया मैं तो अभी मानक इस तरह कंफ्यूज़ रहती है तब तो उसको समझ में आता है अच्छा मैं सपने देख रही थी ठीक है और उसके बाद से क्या करती है मुन्नी को गले लगा लेती है मुन्नी कहती है क्या माँ अगले मंगल को भैया मेरे लिए कड़े और चूड़िया नहीं लेकर आएंगे क्या तो बोलती है कि नहीं बेटे अगले मंगल को तेरे भैया जो है ना कड़े और चूड़िया लेकर आएगा और सभी सभी चूड़ियों से तेरी जो चूड़िया होंगी सबसे अच्छी और खूबसूरत होंगी मुन्नी कहती है सूचे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ तो बिश्नी कहती है हाँ बेटी सूचे मोतियों के कड़े होंगे तेरा भैया अगले मंगल को ज़रूर लेकर आएगा और उसके बाद से बिश्नी जो है ना अपनी बेटी मुन्नी का माथा चुम गले लगा लेती है और यहीं पर पर्दा गिर जाता है और यहीं पर हो जाता है आप लोग का चैप्टर का दी एंड ठीक लेकिन यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में एक माँ की ममता दिखाई गई है वो माँ की ममता जो अपने बेटे के प्रति है माँ बिष्णु जो है ना वो इसी उम्मीद में रहती है इसी आस में रहती है कि उसका बेटा कब आएगा या फिर उसके बेटे की चिट्ठी कब आएगी और इसी उम्मीद में इसी आस में जो है ना माँ बिष्णु हर रोज रात को अपने बेटे के सपने देखा करती है वही चीज़ आप लोगों को इस चैप्टर में बताया गया है आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर आप लोग इमोशनल हुए अभी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ वाकई में इमोशनल कर देने वाली कहानी है ठीक तो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कोई भी कंफ्यूज़न हो इस चैप्टर से आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं वो <laughs> मैं भी थोड़ा कैरेक्टर में घुस गई थी बताते बताते बट बत कोई दिक्कत नहीं है चैप्टर कम्प्लीट हुआ लेकिन पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं हुआ है इस चैप्टर के जो लेखक हैं मोहन राकेश इनके बारे में जानना बाकी है तो चलिए मोहन राकेश के बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया है उन सभी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं ठीक तो चलिए हाँ तो यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है लेखक परिचय मोहन राकेश का इमेज आप लोगों को दिख रहा होगा ये रहा इमेज तो चलिए फटाफट इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं देखिए मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी उन्नीस ईस्वी को कहाँ पर तो पंजाब के अमृतसर के जंडीवाली गली में ठीक और इनका निधन हो गया था तीन दिसंबर उन्नीस सौ बहत्तर ईस्वी को आगे बढ़ते हैं इनका बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था मदन मोहन गुगलानी और माता पिता का नाम बच्चन कौर और करमचंद गुगलानी ठीक ये माता का नाम था बच्चन कौर और पिताजी का क्या नाम था करम करमचंद गुगलानी ठीक है और ये लोग मतलब इनके पिताजी जो थे ना वो पेशे से वकील थे और साहित्यिक संस्कृत संस्थाओं से इनका जुड़ाव था अब बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा की कि ये कहाँ तक पढ़ाई किए तो देखिए ये सबसे पहले तो लाहौर से एम किए थे संस्कृत सब्जेक्ट में उसके बाद से फिर ये ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एम ए किए हिंदी सब्जेक्ट में ये आप लोगों को याद रखना है आगे बढ़ते हैं वृत्ति की बात कर ले कि ये कहाँ कहाँ मतलब काम किए थे तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ये अध्यापन कराए थे सारिका के कार्यालय में ये नौकरी भी किए थे उन्नीस सौ सैंतालीस के आसपास एलिफ्रिस्टर्न कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त ये भाषा प्राध्यापक भी रहे थे ये आप लोग को याद रखना है ऑब्जेक्टिव में पूछता है सारिका के कार्यालय में ये नौकरी किए थे कुछ समय तक डी कॉलेज जालंधर में ये प्रवक्ता भी रहे और उन्नीस सौ साठ में दिल्ली विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक भी रहे थे ठीक ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का पूछना ही पूछना है उन्नीस सौ बासठ में सारिका के संपादक भी रहे थे और अंत में इनका मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन और आगे बढ़ते हैं इनकी कृतियाँ कि ये क्या क्या लिखे तो ये देखिए ये सब इनका क्या है कहानी संग्रह है यानी कि कहानी का किताब है देखिए इंसान के खंडहर ये ही इनका कहानी का किताब है जो कि उन्नीस सौ में प्रकाशित हुआ नए बादल उन्नीस सौ सन्तावन में जानवर और जानवर उन्नीस सौ अंठावन में एक और ज़िंदगी उन्नीस सौ इकसठ फौलाद का आकाश उन्नीस सौ बहत्तर और बारिश उन्नीस सौ बहत्तर में ही प्रकाशित हुआ ये सब क्या है ये सब था आप लोग का कहानी का संग्रह यानी कि कहानी का किताब अब बात कर लेते हैं ये उपन्यास भी लिखे थे अंधेरे बंद कमरे ये इनका क्या है उपन्यास है जो कि उन्नीस में प्रकाशित हुआ न आने वाला कल उन्नीस में प्रकाशित हुआ ये अंतराल ये भी इनका उपन्यास ही है जो कि उन्नीस में प्रकाशित हुआ तो ये तीनों क्या है इनका उपन्यास है ठीक है और ये नाटक तो लिखे ही थे आषाढ़ का एक दिन उन्नीस में प्रकाशित हुआ था लहरों के राजहंस उन्नीस सौ में और आधे अधूरे उन्नीस में ये प्रकाशित हुआ ये इनका नाटक है ठीक और बात कर लेते हैं एकांकी की तो पैर तले की जमीन अंडे के छिलके और अन्य एकांकी उन्नीस सौ ईस्वी में प्रकाशित हुआ ये सब इनका क्या है एकांकी है आगे बढ़ते हैं आखिरी चट्टान तक ये इनका यात्रा वृतांत है याद रखना है आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का लिखा हुआ यात्रा वृतांत है यात्रा वृतांत उसे कहते हैं ना जब कोई इंसान यात्रा पर जाता है ठीक है जैसे कि मोहन राकेश यात्रा पर गए होंगे कहीं घूमने के लिए और वहाँ के नज़ारों को देखे होंगे प्रकृति को देखे होंगे तो उसी को याद कर कर, कर कर लिख लिया जाता है कि वहाँ पर हम क्या क्या किए क्या क्या देखे उसकी विशेषताएँ उस जगह की विशेषताएँ बताई जाती है उसी को कहते हैं यात्रा वृतांत जैसे कि हम लोग अभी कहीं जाते हैं तो फोटो खींच लेते हैं या मतलब निशानी के तौर पर उसी तरह यात्रा वृत्त लिख दिया जाता है अगर कहीं जाया जाता है यात्रा करने तो और जगह अच्छा लगता है ठीक है परिवेश रंगमंच और शब्द कुछ और तस्वीर कुछ और अस्वीकार और नई निगमें ये यहाँ पर थोड़ा मिटक गया है के सवाल बकलम खुद ये इनका लेखक नि, लेख निबंध है इनका लिखा हुआ निबंध है ठीक है हाँ तो देखिए, लिखा गया है समय सारथी ये इनका जीवनी संकलन है समय सारथी क्या है इनका जीवनी संकलन और मोहन राकेश की डायरी इनका निधनो प्रांत है ठीक निधनो प्रांत प्रकाशित लिखा गया तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है आगे बढ़ते हैं लिखा गया है नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए मोहन राकेश जो है ना नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत इनको काम करना था एक विषय पर जिसका नाम था नाटक में सही शब्द की खोज तो इस पर काम किए थे लेकिन इनका काम पूरा नहीं हो पाया था तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है तो आई थिंक आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा ठीक है और जो कुछ भी मैं आप लोग को समझ आई समझ में आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आप लोग का फाइनली चैप्टर नंबर एट जो है ना सिपाही की माँ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है ठीक तो वीडियो को लाइक करें और चारों तरफ शेयर कर दें अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फटाफट कर लें सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद